प्यारे साथियों एंड माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाती हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, हर लम्हे में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, जी लो तो जिंदगी है, कह दो तो यादें हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो सुप्रिया साहू का आप सभी को नमस्ते नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, जचनेन्द्र, आदाब। बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी जन्माष्टमी आने वाली है और इस दौर में जो ये दौर चल रहा है, किसको वीडियोस बनाना अच्छा नहीं लगता होगा, वीडियोस फोटोज शूट करना किसको पसंद नहीं होगा, है ना। बट कुछ लोग होते होंगे जो कॉस्ट्यूम की वजह से अपने मन को मार लेते होंगे, अपने मन का नहीं कर पाते होंगे। मैं सही बोल रही हूँ ना? बहुतों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनको कॉस्ट्यूम नहीं मिल पाते हैं। जन्माष्टमी चले तो राधा रानी और कृष्ण जी का गेटअप बहुत से लोग क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उस पर वीडियो शूट करना चाहते हैं। बट राधा जी का तो ईजिली अवेलेबल हो सकता है, घर पर बहुत ईजिली मिल जाता है। बट जो कृष्ण जी का गेटअप है वो ईजिली मिलना बहुत मतलब पॉसिबल नहीं होता है। तो कुछ लोग मतलब कुछ लोगों के पास तो है तो चलो वो बना लिए, बट जिनके पास नहीं है और वो सोच रहे हैं कि मैं भी कृष्ण जी का गेटअप क्रिएट करूँ, कृष्ण जी का गेटअप लूँ, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। मैं कुछ घर के ही आइडियाज़ दूंगी आपको, जिससे आप परफेक्ट कृष्ण जी का गेटअप ले सकते हो। तो चलिए देखिए आप लोग कि मैंने कैसे घर के ही सामान से, घर के ही सामानों का यूज़ करके कृष्ण जी का एक परफेक्ट लुक। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पे मैंने साड़ी ले ली है और आप साड़ी अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने साड़ी को इक्वल दो पार्ट कर लिए हैं, दोनों साइड इक्वल ही होना चाहिए। और साड़ी के जिस साइड फॉल होती है ना, फॉल लगी हुई, वो साड़ी ऊपर होनी चाहिए, वो साइड फॉल की साइड ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ बीच से पार्ट करके मैंने नॉट दे दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैं इसको प्लेट लगा रही हूँ और फिर ये पैर के नीचे से इसको पीछे जाके टक कर देना है। इस तरीके से पीछे जाके टक कर देना है। अब नीचे से जो साइड है ना, ये देखिए ये साइड यहाँ लेके हमको प्लेट डालनी है और फिर यहाँ आगे लाके इसको टक कर देना है। इस तरीके से आप इसको अच्छे से प्लेट को बैठा लेना है। अब दूसरे साइड भी हमने इसी तरीके से किया है, प्लेट लगाई है और दूसरे साइड पैर के नीचे से ले जाके पीछे टक करना है और फिर पीछे के साइड से लेते हुए जो नीचे के पार्ट है वो पीछे से साइड लेते हुए आगे लाके टक कर देना है। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ।
जिस तरीके का दुपट्टा हो, जो ड्रेस के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा हो, उस तरीके से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दुपट्टा था, इसका यूज़ मैंने कमर पे कर दिया है, और इसको जो ऊपर का दुपट्टा मैंने सेट किया है प्लेट लगा के, उसके बीच से फिर मैंने इसको लेके और यहाँ पे इसको मैंने कमर पर लगा दिया है नॉट देख के। देन मेरे पास ऑरेंज दुपट्टा था जिसको मैंने सिर पर नॉट देख के लगाया है, तो इस तरीके से मैंने यूज़ कर लिया है ऐसे दुपट्टे का। तो साड़ी और दुपट्टा मतलब तीन पीस दुपट्टे लगे हैं और एक साड़ी से ही ये गेटअप रेडी किया है मैंने। तो इस तरीके से मैं इसको सेट कर दे रही हूँ। देन मोर पंख, उसके बाद मैंने मोर पंख ले लिया है और बस मुझे मोर पंख ही खरीदने की ज़रूरत पड़ी है, बाकी तो सारी चीज़ें मेरे पास थी घर पे ही, और मोर पंख ही मैंने मार्केट से लिया है। तो ये देखिए कान्हा जी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे कृष्ण जी हो चुके हैं रेडी, बट कुछ कमी लग रही है जी। कृष्ण के पास बांसुरी ना हो ऐसा कभी हो सकता है? राइट, बांसुरी। तो चलिए इंस्टेंट बांसुरी भी बना लेते हैं, अब कृष्ण जी हो और बांसुरी ना हो। तो यहाँ पेपर थे जिसका मैंने यूज कर लिया है बांसुरी के लिए। आप कॉपी के पेज से या फिर कार्डबोर्ड या फिर कोई पाइप हो, दातुन हो, पेड़ की डंडी हो, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अवेलेबल मिले उससे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देन मेरे पास टेप था इस तरीके का, तो मैंने इसका यूज़ कर लिया है। आप इसकी जगह लेस भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास फेब्रिक पेंट है तो आप उससे भी कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है। तो लेस वगैरह तो अक्सर मिल जाते हैं घरों पे, तो आपको इसकी भी कोई चिंता नहीं होगी। इस तरीके से मैंने बांसुरी बनाई है और साइड में मैंने राखी लगाई है, और आपके पास कोई भी लटकन हो, मोतियों का बंचेस बना के भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इंस्टेंट बांसुरी तैयार कर ली है। और कान्हा जी के जो माथे पे आप देख रहे हैं ना ब्रोच, तो वो मंगलसूत्र का पेंडेंट है जो टूटा हुआ था, तो मैंने उसका यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे कान्हा जी बिल्कुल हो चुके हैं रेडी। कान्हा जी के हाथों में बांसुरी बहुत शोभा देती है, बांसुरी ना हो तो कान्हा जी अच्छे नहीं दिखते। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल ज़रूर रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल रही हो और नहीं यूज़फुल रही हो तो कुछ तो आइडियाज़ ज़रूर मिले होंगे। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार प्यारे कमेंट्स कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। आज का वीडियो ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय। मीठे मीठे मेरे सांवर की मुरली बाजे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे।